नवनीत राणा केस में राज्य के मुख्य सचिव को लोकसभा सचिवालय से नोटिस भेजा गया है। हम आपको ये बता दें कि सांसद नवनीत राणा ने दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर शिकायत की थी कि उन्हें मुंबई में गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किया गया था और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था। लोकसभा सचिवालय के नोटिस में मुख्य सचिव को 15 जून को दिल्ली में पेश होने का आदेश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से ये शिकायत लोकसभा की सांसद महाराष्ट्र से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने की थी और उन्होंने अपनी शिकायत में जो आरोप लगाए थे वो आरोप गंभीर थे। एक सांसद को भी थाने में किस तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ा, उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया, ये बताया था उन्होंने। और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को अब लोकसभा सचिवालय की तरफ से नोटिस गया है और उन्हें अब दिल्ली में हाजिर होना होगा। जो आरोप नवनीत राणा सांसद ने लगाए थे वो ये कि उनके साथ थाने में बदसलूकी की गई, उनसे अभद्र भाषा में बात की गई, उनकी गिरफ्तारी जो थी वह गैर कानूनी थी, उनके साथ जो बर्ताव किया गया वो अमानवीय था और 15 जून को अब लोकसभा सचिवालय में मुख्य सचिव को पेश होना होगा।